कविता नहीं कहूँगी लेकिन एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया। दोस्तों हमारे बेरिया में भी बहुत उम्दा कलाकार हैं, गायक, डांसर्स, नृत्यांगनाएं, लेखक, कवि, लेकिन हमारी एक मान्यता रह जाती है कि जो भी प्रोग्राम हो इंडिया से कौन आ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत कलाकार बहुत उम्दा है इंडिया में, लेकिन अभी हमारे मन को ये आनी चाहिए बात कि यहाँ भी एक क्रिटिकल मोमेंटम हो रहा है, तो ज़रा सी सोच बदलिए। हाँ, मैं सोचती हूँ कि जब हम बॉलीवुड स्टार्स देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, $100, $200, $500 भी खर्च करने में हम हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन जहाँ साहित्य की बात आती है, अरे यार कविता सुननी पड़ेगी और उसको भी पैसे देकर। दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा ख्वाहिश है हमारी, ख्वाहिश है अर्चना कि ये समा बदले, हवा धूप महफिल जमाना बदले, और भी कई गम है मोहब्बत के सिवा, चाहिए बस ज़रा सा नज़रिया बदले, ज़रा सा नज़रिया बदले, बस सोच परिवर्तन कीजिए कि यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं छुपे हुए हैं, शायद उन्हें बाहर निकलने का, अनअर्थ करने का, अपना हुनर दिखाने का मौका दीजिए, बस उन्हें चाहिए तो एक मंच और आपका प्यार। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी सत्या कालरा जी को, जो आपको देंगे रास्ता आनंदम के तक, क्योंकि उन्होंने फाइंड किया है, शी इज़ अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाथ टू आनंदम, खुशी के लिए क्या जरूरी है। आइए सुनते हैं सत्या जी से। आप सबको मेरा नमस्कार, और बिफोर आई स्टार्ट लेट्स फॉर अ चेंज ऑल सिट स्ट्रेट एंड रिसाइट ओम 3 times टुगेदर। Take a deep breath. Oh. Oh. आज की शाम अर्चना जी के नाम, मैं सोच रही थी कि अर्चना जी, अर्चना का मीनिंग मुझे एक ही चीज नजर आती है, समझ में आती है, जब भी मंदिर में जाओ ना तो पुजारी जी बोलते हैं अर्चना अर्चना अर्चना, गणेश जी की अर्चना, कृष्ण जी की अर्चना, शिर्क, तो मुझे लगता है अर्चना मीन्स पूजा, वर्शिप, प्रेयर्स। और आज आप लोगों ने देखा उसके एक एक वर्ड से, एक एक शब्द से, चाहे वो प्यार का था और चाहे प्यार में लड़ाई का था, हर शब्द के अंदर एक प्रेयर ही थी। और ये प्रेयर कहाँ से आती है, एक जो आथर होता है ना, अर्चना का ए ले लो चाहे आथर का ए ले लो, ये इसका समाधान, इसका मिलन तभी होता है। आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है तो अंदर की आवाज़ निकलती है, और वो अंदर की आवाज़ जब निकलती है तो मुँह से निकलती है, और वो एक आपके पेन, आपके हाथ में पेन के रूप में आके पेपर पर उतरती है। तो ये एक लेखक के लिखने का सिर्फ ये नहीं होता कि उसने बुक उठाया, पेपर उठाया और लिख लिया, जब वो एक्चुअल में उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है तो परमात्मा उस आवाज में आके उतर के हम सबको आनंद दिलाते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये अर्चना जी बोल रही हैं, अर्चना जी के अंदर परमात्मा उतर के हमें सुना रहे हैं। ये इतना मैं समझती हूँ, हम इतने भाग्यशाली हैं कि मैंने अर्चना जी को कितने बार देखा, इसको एमसी के रूप में देखा, कविताओं के रूप में देखा, और जो आज मैंने इसको गाते हुए देखा वो तो कुछ नया ही रूप था। परमात्मा चाहे, और हमारी यही प्रार्थना है कि ये इसकी बुक एक बेस्ट सेलर बन जाए, और बेस्ट सेलर यही नहीं कि सिर्फ अमेज़न पर, अमेरिका में, पूरे संसार की ये बेस्ट सेलर बन जाए, क्योंकि उसका एक एक मोती जो है उसके अंदर
अपनी आत्मा को शांति देने वाला है और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलके परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये शक्ति अर्चना जी को और कवियों को भी और गायकों को भी और शायरों को भी देते रहें ताकि वो इसकी हर आवाज़ में इनकी हर आवाज़ में संसार में एक क्रांति बन के जो परिवर्तन आपने अभी औरों से भी सुना हमारी भी यही तमन्ना है कि वो संसार में एक क्रांति ला के सबको संदेशा दें और एक मैसेज के रूप में हम सबके सबको हिम्मत देते रहें उत्साह देते रहें क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में कि जो मेरे साथ मिलता है ये शक्ति मैं उसको देता हूँ ददामि अहम् ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कि मैं उसके अंदर आके ये विद्या अपने आप पैदा करती हूँ हम लोगों का काम है सिर्फ भगवान से कनेक्ट होना जैसे कि अर्चना जी हुई हैं परमात्मा सबको ही वैसे ही कनेक्ट करे चाहे हम जिस रूप में भी हों जो व्रत अर्चना जी करते हैं उसको गीता में कहते हैं वाणी का तप ये वाणी का तप कर रही हैं कोई शरीर का तप कोई मन का तप जो भी तप कर सके लेकिन सब अर्चना हम सभी अर्चना हैं जैसे कि अभी आपने सुना इनकी बुक का नाम है तुम्हारी अर्चना ये हम सबकी अर्चना है सो मे गॉड ब्लेस अर्चना जी विद गुड हेल्थ हैप्पीनेस एंड मोर टू कम एंड ब्लेस हर फैमिली और सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि ये एक जो बुक होती है ना वो एक किताब नहीं होती है ये किताब के रूप में उस लेखक की जिंदगी वो कैसा इंसान है वो इस इंसान का प्रतीक होता है और इस किताब में जो उन्होंने लिखा है ये अर्चना जी का सचमुच का वो रूप है क्योंकि आप मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने अच्छा मुझे लगा जो इन्होंने एक्नॉलेजमेंट आभार लिखा है अपनी बुक में सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु जी के लिए इतना अच्छा लिखा है कि वो गुरु जी ने इनके लिए क्या कुछ किया है और यही नहीं गुरु जी के लिए लिखा अपने सास ससुर के लिए अपने माँ बाप के लिए अपने बहन भाइयों के लिए और तो और बेरिया के हर सुनने वालों के लिए उसने अपना आभार प्रकट किया है ये इंसान का असली रूप होता है इसलिए हम अर्चना जी को दिल से प्रणाम करते हैं और मैं चाहूंगी कि अर्चना जी आप आए और मैं आपको थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस वी आर ऑनर्ड टू बी हियर एंड प्रणाम टू एवरीबडी ऑन द स्टेज एंड एवरीबडी एंड थैंक यू वेरी मच अगेन नमस्ते बहुत शुक्रिया दत्त सत्या जी जिनके नाम ही में सत्य हो तो उससे पावनता कहाँ छूट पाएगी इतनी पवित्रता पावनता शक्ति साहस ऊर्जा मिलती है अच्छी बात सुनने में साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन तू भी नज़रों में किसी के आसमां हो जाएगा तू भी नज़रों में किसी के आसमां हो जाएगा दोस्तों आपने देखी एक गज़ल एक गीत जिसको संगीत दिया था और नृत्य किया था जया शर्मा जी ने अब हमें मौका है कि उस संगीतकार से उस फनकार से उस कलाकार से मिला जाए जिसने उस गीत में जान प्राण फूंक दिए थे दोस्तों स्वागत कीजिए तालियों के साथ मनोज तमहंकर जी का इतने सब महानुभाव लोग बोल चुके हैं तो मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलता भी नहीं हूँ लेकिन प्रयास जरूर करूँगा आज हिंदी में ही बोलने की और जो कि समय भी अपने पास कम है इसलिए मैं पढ़ूँगा कोई बोल रहे थे कि अगर बोलना ही है तो बोल जा सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा ही बोलना है तो कुछ लिख के थोड़ा सा ही बोल देते हैं तो सबसे पहले आप सब लोगों को छुट्टियाँ आ रही है तो उसका आप सब आनंद ले इसके लिए शुभकामना देता हूँ सदिच्छा व्यक्त करता हूँ
आप स्वस्थ रहे और छुट्टियों का आनंद लें। आज इस कार्यक्रम में और जिस कार्य के कारण यह कार्यक्रम है उस कार्य में शामिल होकर के मैं बहुत ही बहुत बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अपनी मातृभूमि को छोड़कर अब हम लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं। इस बात का कभी कभी दोस्तों मुझे दुख होता है, कभी कभी खुद को अपराधी भी समझता हूँ। लेकिन आज जैसा कार्यक्रम जहाँ पर आपने मातृभूमि की देन धरोहर जो साहित्य कला संस्कृति से जुड़ी है उसे जतन करने का बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, मुझे उस मायूसी से परे कर देता है। अपनी मातृभूमि की देन उच्च संस्कृति दुनिया में फैलाने के कार्य में आज जैसे कार्यक्रम निश्चित रूप से बड़ा योगदान देते हैं ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आज मैं तहे दिल से हमारी अर्चना जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने सुंदर शब्दों से सजी बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य में हमारे बे एरिया से योगदान दे रही है। बहुत बहुत अभिनंदन अर्चना जी। इस कार्य में सहयोग देने का मुझे भी अवसर मिल रहा है इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। इनके गीत को संगीत से सजाने की मैंने चेष्टा की है और यह भी नमूद करना चाहूँगा कि भारत मुंबई से श्री अजय जोगलेकर ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिन्होंने म्यूजिक अरेंजमेंट और रिकॉर्डिंग का काम बहुत ही कम समय में और बहुत बहुत अच्छा किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये धुन पसंद आ गई है। एक बार फिर अर्चना जी का हार्दिक अभिनंदन और आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद।